आज इस मंच पर मेरे मेहमान ऐसे एक शख्स है जिनके हर एक बयान सुर्खियों में बने रहता है कभी अखंड भारत के बारे में बात करते हैं तो कभी बोलते हैं अगर जापान में रहने वाली जापानीज फिर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू क्यों नहीं मुझे यकीन है आपको आइडिया लग गया होगा मेरा मेहमान आज कौन है टुडे माय गेस्ट इज स्पिरिचुअल गुरु ग्लोबल पीस एम्बेसडर सोशल रिफॉर्मर राइटर टुडे माय गेस्ट इज़ डॉक्टर आचार्य लोकेश मुन्नी जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में जी। uh, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बचपन और नौजवानी के बारे में बताइए देखिए uh, मेरा बचपन चूंकि मैं राजस्थान के सीमांत प्रहरी बाड़मेर जिले के एक छोटे से कस्बे पचपदरा नगर में मेरा जन्म हुआ सत्रह अप्रैल 1961 को और बचपन में शिक्षा वहां ग्रहण की लेकिन इसी दौरान जब मैं बारह तेरह साल का था मात्र मेरे गांव में मेरी तरह एक सन्यासी आए चातुर्मास करने के लिए उनका बाह्य व्यक्तित्व तो बहुत खूबसूरत था आंतरिक व्यक्तित्व उससे भी अधिक खूबसूरत था और यही कारण रहा कि 12 13 वर्ष में ही मैं उनकी ओर खींचा चला गया और मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ कि मुझे इनकी तरह बनना है और वो धुन सवार हुई तो ऐसी सवार हुई कि मैंने उस एक चातुर्मास काल के अंदर ही जो जैन मुनि की कठोर चरया होती है उसका पालन शुरू किया नंगे पांव चलना रात को भोजन नहीं करना पानी तक भी पानी की ड्रॉप भी यूज नहीं करना जब तक सूर्योदय न हो वापस और उसके साथ साथ ज्ञान ध्यान हजारों हजारों पृष्ठ श्लोक कंठस्थ किए और बिल्कुल उनकी तरह जीवन जीने लगा पर चूंकि मैं अपने छह भाइयों और दो बहनों के मैं सबसे मैं छोटा था और माता पिता के लिए ये बड़ा कठिन होता है कि उनका Uh, कलेज का टुकड़ा सन्यासी बने और जैन परंपरा का संन्यास जो है बहुत कठोर होता है भीख मांग के खाना होता है और कठोर जीवन जीना होता है तो वो तैयार नहीं हुए और इस बीच में उन्होंने मुझे वहां से उठा के जोधपुर ले गए जोधपुर में स्कूल का एडमिशन हुआ कि शहर में रहेगा तो कुछ परिवर्तन आ जाएगा वैराग छू मंतर हो जाएगा और ज्यादा बदलाव जब नहीं हुआ वहां पर भी तो फिर वो अहमदाबाद ले गए अहमदाबाद में अध्ययन अध्यापन के साथ बिजनेस में भी जुड़ा अपने जीजाजी के साथ चूंकि हम अभिभावकों के सामने अधिक बोलना का रिवाज नहीं था बहुत ही अनुशासन होता था पर जब मैं उम्र के 19-20 वर्ष के पड़ाव 18 18-19 वर्ष पहुंच गया तब एक ऐसी मोड़ आया कि हमारे वहां राजस्थान में उस जमाने में मैं 1980 की बात कर रहा हूँ 19, 20 वर्ष की मैं शादी ही हो जाया करती थी और जब वो घड़ी आई तब मुझे मुखर होना पड़ा और अंत में संक्षेप में यही कहूंगा कि उन्होंने बहुत प्रयास किए अंततः एक साल में अनेकाने अनेक फिल्में दिखाई मैरागी उतर जाए पर वो सफल नहीं हुए और मेरा वैरा उन सब पर भारी पड़ा और 22 वर्ष की युवा अवस्था में मुझे अपने गुरु आचार्य तुलसी जी के करकमलों से दीक्षित होने का सौभाग्य मिला और 8 अक्टूबर उन्नीस को औद्योगिक नगर बालोतरा में, में मेरी दीक्षा हुई और तब से 40 वर्ष से अधिक समय हो रहा है और मैं संन्यास जीवन में हूं करीब 22 वर्ष तक मैंने पैदल पद यात्राएं की बीस एक हजार किलोमीटर भारत की अनेक भूभागों में पैदल यात्राएं करते हुए अपने आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण जनकल्याण के लिए लोगों के जीवन में परिवर्तन आए वो नशा मुक्त बने वो व्यसन मुक्त बने वो अच्छा जीवन जिए और नैतिक चारित्रिक मूल्यों का प्रसार प्रसार हो उसके लिए कार्य किया और 2005 में मैंने मेरे मन में ये कशक थी कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन हैं और महावीर का दर्शन बहुत साइंटिफिक है मोस्ट रिलेवेंट है उसके बावजूद हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया जबकि जैन धर्म सिकुड़ के रह गया हिंदुस्तान की सीमाओं में और इस पीड़ा से प्रेरित होकर के सन 2005 में मैंने वाहन विहार एक्सेप्ट किया और तब से मैं दुनिया भर में जाता हूं और महावीर का अहिंसा का शांति का सद्भावना का संदेश जो है पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास करता हूँ और मैंने एक से अधिक बार यूनाइटेड नेशंस को संबोधित किया है लंदन पार्लियामेंट को कैलिफोर्निया की असेंबली को आदि आदि स्थानों पर विश्व धर्म संसद को तो इस प्रकार की यात्रा है कि 22 वर्ष की अवस्था तक जो है ग्रस्त आश्रम 22 वर्ष की अवस्था में सन्यास जीवन और उसमें 22 वर्ष पैदल पद यात्रा और 2005 से मैंने वाहन विहार एक्सेप्ट किया और अब मैं दुनिया भर में भारतीय संस्कृति के लिए वर्षोदेव कुटुमकम के लिए सर्वे भवन तो सुख ने सर्वे संतु निरामय के संदेश को लेके पूरी दुनिया में भ्रमण कर जी सर सर जैसा कि आपने बताया आपने 22 वर्ष की उम्र में अपना स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्ट की थी तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि इतना कम एज में आपने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया और इसके पीछे एक स्पेसिफिक कारण क्या था? देखिए के संदर्भ में कहा जाता है दो मुख्य कारण है एक तो जीवन में ऐसी कोई घटना दुर्घटना घटी और हटात वैराग्य उत्पन्न हो जाता है जैसे हम सुनते हैं महात्मा बुद्ध ने लाश को देखा शमशान यात्रा जा रही थी और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और दूसरा कारण होता है प्रारब्ध चूंकि जैन दर्शन पूर्व जन्म में विश्वास करता है पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है और हम ये मानते हैं कि पूर्व जन्मों के संस्कारों को लेकर के हम जानते हैं तो मैं अपने संदर्भ में जब चिंतन करता हूं तो मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना दुर्घटना तो नहीं घटी हाँ मैं ये कह सकता हूं कि प्रारब्ध ऐसा रहा और मैं इस दिशा के अंदर अग्रसर हुआ जी क्योंकि आज के समय में में हमारा युवा इतना कम एज में नहीं कर पाते कि उनको क्या पढ़ना है आपने हमारी आदि शंकराचार्य ने किस अवस्था के अंदर पूरे भारत का भ्रमण करके उन्होंने की स्थापना की मैं अपने दीक्षा गुरु की बात करूं आचार्य तुलसी जिनका बहुत बड़ा नाम है अध्यात्म के क्षेत्र में उन्होंने मात्र नौ वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली थी मैं अपने शिक्षा गुरु की बात करूं आचार्य महाप्रज्ञ जो कि एक मौलिक प्रखर चिंतक और लेखक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में माने जाते हैं करीब करीब 300 से अधिक ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं उन्होंने मात्र 11 वर्ष की अवस्था के अंदर संन्यास स्वीकार किया था तो ये इसका संबंध जो है केवल उम्र से नहीं वो योग्यता के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल सर टेल अस अबाउट जैनिज्म व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड सनातन रिलीजन देखिए मेरा ये कहना है कि पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि धर्म क्या है और रिलीजन क्या है एक्चुअल में हम लोग धर्म और संप्रदाय को एक कर देते हैं जबकि धर्म और संप्रदाय दो अलग वस्तुएं हैं एक लिफाफा है और एक लिफाफे के भीतर का मजबून है धर्म है अहिंसा शांति करुणा मैत्री अहिंसा प्रेम और बाकी जो हम जो है अगर कहें जैन बुद्ध सिख वैदिक ये सारी परंपरा है पंथ है इसलिए मैं प्रसंगवश ये भी कहूंगा लोग कह देते हैं कि भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है अरे भला धर्म तो भारत की आत्मा है उससे निरपेक्ष कैसे हो सकता है हाँ संप्रदाय निरपेक्ष हम कह सकते हैं पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं मजहब निरपेक्ष कह सकते हैं तो धर्मों में कोई अंतर नहीं है धर्म तो सब एक है और वो धर्म है अहिंसा मैत्री करुणा ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा ये सारे धर्म बिल्कुल uh, sir, एक और Main the mountain, uh, में जैसा कि आपको पता होगा कि अहिंसा पर बहुत सूक्ष्म स्तर पर जाकर के चिंतन हुआ है में किसी को मारने को ही हिंसा नहीं माना किसी को मानसिक ठेस पहुंचाने को भी हिंसा के रूप में ग्रहण किया गया है और सर्दी के दिनों में जैसा अभी दिल्ली में बड़ी प्रखर शीतलहर चल रही है इस समय आप देखते होंगे सुबह सबसे जब बोलते हैं तो आपके मुंह से भाप निकलती हुई आप आंखों से देख सकते हो तो हमारे मुंह की गर्म भाप इस जीवाणु वायुमंडल में फैले हुए जीवाणुओं को भी थोड़ा सा भी हर्ट ना करे इसके बीच में चूंकि ये आवरण आने से उसका वेग कम हो जाता है जिससे कि उनको कोई ठेस ना पहुंचे और कोविड काल में तो इसकी दूसरी परिभाषा हो गई आप आज मुझे प्रश्न कर रहे हैं लोग भी मुझे पूछते थे जब मैं विदेश यात्रा करता था कि ये क्या लगा रखा है और कोविड में देखा बिना लगाए लगा पुलिस वाले ने पूछा ये क्यों नहीं लगा रखा है तो इसकी अपनी उपयोगिता है मैं धर्म के संदर्भ में मैं ये कहूंगा जैन धर्म में ये एक मुनि का प्रतीक है ये अहिंसा का सिंबल है और उस प्रतीक के रूप में हम इसको स्वीकार करते हैं जी ए, सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा था सदियों से अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का केंद्र रहा है अब मुझे बताइए कि जैन धर्म और अयोध्या नगरी के बीच क्या संबंध है अयोध्या जी अपने आप में एक ऐसा तीर्थ स्थान है उसका अनेक धर्मों के साथ संबंध है और जैन धर्म की जैसा आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संदर्भ को उल्लेखित किया है आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अयोध्या जी में जैन धर्म के पांच तीर्थंकरों का जन्म हुआ है पांच तीर्थंकरों की वो जन्मभूमि है और इसलिए अयोध्या जी का महत्व तो सनातन परंपरा में है जैन परंपरा में है बौद्ध परंपरा में है सिख परंपरा में और प्रसंग में यह भी कहना चाहूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भी जैन धर्म में वही स्थान है जो तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभ का या महावीर का है वो स्थान भगवान राम का है क्योंकि जैन धर्मावलंबी भगवान राम को मोक्षगामी मानते हैं भगवान मानते हैं उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया मुक्ति को प्राप्त किया इसलिए उनका भी वही समान आदर और सम्मान है जैन धर्म में जी सर सर आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के प्राण प्र, प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे जी। और उस दिन वहाँ ऐसा एक पल आया था जहाँ मतलब सारे उपस्थित लोग वहां पे इमोशनल हो गए थे सबके आंखों से आंसू आ गया था क्या क्योंकि आप वहां पे थे मैं आपका अनुभव जानना चाहती हूँ आपके, आपके प्रश्न करने के साथ आप देख रहे हैं रोम खड़े हो रहे हैं ये एक ऐसा प्रसंग है आप देखिए ये आपके सामने का प्रत्यक्ष है सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद हजारों लोगों के बलिदान देने के बाद वो घड़ी जब आई हो जिसकी प्रतीक्षा हमारे पूर्वजों ने की कितना बड़ा बलिदान दिया आप कठोर कोठारी बंधुओं को, को याद कीजिए कितनी अनगिनित बहनों का सुहाग उजड़ गया कितनी बहनें कलाई पर अपने भाइयों का रक्षा सूत्र बांधने से वंचित हो गई और उतने बड़े संघर्ष के बाद जब वो घड़ी आती है तो निश्चित रूप से वो हर्ष के आंसू थे वो आह्लाद के और मैंने तो अयोध्या जी में देखा है मैं प्राण प्रतिष्ठा से पांच दिन पूर्व ही पहुंच गया था मुझे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष परम पूज्य गोविंद देव जी महाराज मेरे इस आश्रम पर आ रहे थे दिल्ली और उन्होंने मुझे कहा कि लोके जी तो तो पहले आना है और चूंकि अयोध्या जी के आंदोलन से मैं तब से जुड़ा रहा हूं जिस समय आंदोलन चरम सीमा पर था 92, 91, 90 के कालखंड में मैं चूंकि केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का सदस्य था उस समय की तमाम बैठकों में ही नहीं भाग लिया मैंने बल्कि मैंने समझौते के लिए प्रयास किया था उस समय एक बार तो मैं समझौते के करीब पहुंच गया था और शायद उस समय राजनीति नहीं हुई होती तो उसी समय सर्वसम्मति से निर्विवाद रूप से मंदिर का भव्य निर्माण हो गया होता पर कोई बात नहीं मैं तो यही कहूंगा अतीत को व्यतीत करें लेकिन अयोध्या जी का ये जो ये जो प्राण प्रतिष्ठा है हमारी नजर में श्री राष्ट्र मंदिर की प्रतिष्ठा है ये राम राज्य की आधारशिला का शिलान्यास है और जब मैं राम राज्य कहता हूं राम राज्य का अर्थ क्या है राम राज्य का अर्थ है मर्यादा अनुशासन संयम कर्तव्य निष्ठा बड़ों का सम्मान नारी का सम्मान बच्चों के संस्कार और ये सब हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में गुण मिलते हैं इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया को आह्वान करना चाहता हूं आइए राम जी के गुणों को आत्मसात करें और हम देश को राम राज्य की ओर लेकर के चले बिल्कुल आ, सर मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं बस इन दिनों एक मुद्दा बहुत सुर्खियों में उसके बारे में बहुत चर्चा हो रहा है एक रियलिटी शो बिग बॉस अभी जो इस इस एपिसोड को मतलब जीत जीता है वो एक मुस्लिम स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपनी करियर की शुरुआत श्री राम भगवान और माता सीता को इंसल्ट करने से ही किया था और सेम टाइम में एक मौलाना साहब जो अभी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे उन पर एक फतवा जारी हुआ है तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो भारत में कट्टरपंथी हर दिन बढ़ता ही जा रहा है या ये मैं बोल सकती हूँ कि एक काम ज्यादा लिबरल हो रहा है और एक काम हर दिन कत्तर हो रहा है देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा ये जितने भी शो होते हैं कुछ लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए फेमस होने के लिए जानबूझकर करके ऐसा करते हैं पर मेरा ये मानना है कि प्रभु श्री राम पर अगर कोई छोटी बात करता है या महाशती सीता जी पर सूर्य पर अगर कोई थूकेगा तो वो उसके ऊपर ही आएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आपने देखा जब ये प्राण प्रतिष्ठा हुई न केवल भारत में विश्व के सैकड़ों देशों के अंदर जो उल्लास था जो उमंग थी आप तो स्वयं अमेरिका से आती हो कैलिफोर्निया में कितना बड़ा जुलूस था वहां के स्क्वायर पर क्या कार्यक्रम था तो ऐसे महापुरुषों पर जो कोई भी ऐसा करता है ये उनकी नादानी है बचकानापन है हाँ ये निश्चित रूप से ये, ये हिंदू धर्म की उदारता है कि वो शर्त शर्त तन से जुदा की बात नहीं करता है ऐसा अगर और किसी के साथ हो तो क्या का, का हो जाए हिंदू सदैव सहिष्णु रहा है ये बात रेखांकित तो होती है और ऐसे लोग जो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए हथकंडे उठाते हैं उनको ज्यादा हमें ध्यान भी नहीं देना चाहिए ये उपेक्षा के पात्र हैं उनको जो है भगवान जो है सद्बुद्धि देंगे जहाँ तक आपने इमाम साहब की बात की है मैं तो इतना ही जानता हूं कि हमारा देश शरीय से नहीं चलता है हमारा देश संविधान से चलता है <laughs> तो हमारे संविधान के अंदर इन फतवा वतवाओं का कोई मूल्य है नहीं और मुझे लगता है कि इमाम साहब को भी उसको कोई मानने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा देश शरीय से नहीं चलता है संविधान से चलता है और हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इसलिए कानून उसका कोई महत्व नहीं है इमाम साहब मेरे मित्र हैं मेरे यहाँ आते जाते रहते हैं तो मैं तो उनसे भी कहूंगा कि हम सब इस मामले में आप जो है अयोध्या जी गए थे ये एक उदारता की बात थी जाना ही चाहिए अनेक बार जाना चाहिए और ऐसे फतवो को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल बिल्कुल सर व्हाई द जेंट्स आर सो स्ट्रिक्ट अबाउट देयर फूड हैबिट और डाइट व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट देखिए फूड के बारे में मैं ये कहूंगा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने सैकड़ों हजारों पर पूर्व कहा कि जैसा खावे अन्न वैसा होए मन लेकिन आज मेडिकल साइंस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जैसा हम फूड ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप हमारे मस्तिष्क में न्यूरो का निर्माण होता है और उसी के आधार पर हम दूसरों के साथ बिहेवियर करते हैं इसीलिए हमारे यहां पर फूड को तीन भागों में बांटा गया आहार तामसिक आहार और सात्विक आहार चूंकि हमारे भीतर तमस को पैदा करता है उत्तेजना को पैदा करता है आक्रामकता को पैदा करता है एक शब्द में कहूं तो बिन लादेन प्रवृत्ति को पैदा करता है इसलिए तामसी आहार का वर्जन किया गया और मांसार चूंकि तामसिक आहार है उसी के साथ ये प्याज लहसुन आदि जो है तामसिक आहार की कोटि में आते हैं इसलिए उसका वर्जन है दूसरा है राजसिक आहार जिस आहार में प्रचुर मात्रा में घी तेल मक्खन आदि का प्रयोग होता है वो हमारी इंद्रियों को चंचल बनाता है प्रदीप्त बनाता है उत्तेजित करता है इसलिए उसके भी विवेक के पूर्वक जो है उसका भी विवेक दिया गया है तीसरा है सात्विक आहार वो हमारे जीवन को भी टिकाता है और हमारी साधना में भी सहायक बनता है और इसलिए जेनिजम के अंदर चूंकि अध्यात्म के तलहटी से लेकर के शिखर तक की अगर यात्रा करनी है तो हमें आहार को समझना होगा आहार का संबंध केवल शरीर से नहीं हमारा मन हमारी बुद्धि हमारी इंद्रिय हमारी भावनाएं हमारी आत्मा इन सबको आहार प्रभावित करता है इसलिए जैन धर्म में आहार शुद्धि पर बहुत बल दिया गया शाकाहार पर बल दिया गया और अब तो आप देखेंगे पश्चिमी देशों में शाकाहारी नहीं वीगन बनते जा रहे हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में गोरे वीगन बन रहे हैं क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ जो क्रिटी है जो क्रूरता है, उसको देख करके लोग वीगन की ओर आ रहे हैं, तो ये सारे शुभ संकेत है और कोविड काल के अंदर ये सिद्ध हुआ है कि किस तरह से मांसाहार समय समय पर ऐसी महामारियों को बढ़ाता है तो ऐसे के अंदर साकार सर्वश्रेष्ठ आ रहे हैं और जैन धर्म में भी उस पर बहुत बल दिया गया है देखो। Let's take a short break. Continue watching, know more about your favorite personalities with Hina Paiga. Back to know more about your favorite personalities with गहरी जानकारी रखते हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से धर्म क्या है मैंने पहले भी हिना जी स्पष्ट किया है और वो मुझे जानकारी इसलिए है कि मैं जिस परंपरा में दीक्षित हुआ वहाँ पर दीक्षा से पहले शिक्षा होती है समीक्षा होती है परीक्षा होती है उसके बाद दीक्षा होती है तो मुझे प्रारंभ में अपने गुरुओं के सानिध्य में दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के सानिध्य में बैठ के अध्ययन अध्यापन का पर्याप्त अवसर मिला आ, मैं ये कहना चाहूँगा फिर से दोहराना चाहूँगा हीना जी कि धर्म मेरी दृष्टि में धर्म है अहिंसा करुणा मैत्री सद्भावना प्रेम भाईचारा ये सब धर्म है और बाकी पंथ परंपराएं हैं जैन बुद्ध सिख वैदिक ये सारी जो है ये पंथ है ये मजहब है तो हमें धर्म और संप्रदाय को एक नहीं करना चाहिए दोनों का अपना अपना मूल्य है संप्रदाय चूंकि धर्म की साधना का साधन बनता है इसलिए उसका मूल्य है लेकिन हाँ संप्रदाय में अगर सांप्रदायिक कट्टरता आती है तो वही धर्म के अंदर बाधक बन जाता है साधक की जगह तो सांप्रदायिक कट्टरता और जातिवादी जुनून जो है वो किसी भी लोकतंत्र के लिए भी नुकसानदायक होते हैं तो हमें धर्म और संप्रदाय को मिलाना नहीं चाहिए धर्म पृथक है धर्म व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाता है उदार बनाता है और उसके भीतर करुणा सद्भावना उत्पन्न करता है सर मैं आपका एक बयान पढ़ रही थी जिसमें आपने कहा था चाइना में रहने वाले चाइनीज़ जापान में रहने वाली जापानीज़ और हिंदुस्तान में रहने वाले, वाले हिंदू क्यों नहीं क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोग ख़ुद को हिंदू कहे फिर अन्य जो धर्म है उनको आ, समस्या हो गया इस चीज से नहीं पहले तो क्या है कि समस्या इसलिए है कि हिंदू की ठीक से परिभाषा ही लोगों को पता नहीं है उससे पहले हिंदू की परिभाषा को ठीक से समझना चाहिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी व्याख्या की है हमारे देश के एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी उसी बात को कई बार दोहराया है देखिए हिंदू शब्द का हम अगर व्यापक अर्थों में लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है किसी को कठिनाई यो क्यों ना हो ये एक राष्ट्रवाचक शब्द है ये सांस्कृतिक वाचक है ये भौगोलिकता को लिए हुए है मैं आपसे कहू हीना जी मेरा जन्म हुआ जिस क्षेत्र में आज भी वहां पर स को ह बोला जाता है सासू जी को हाउ जी कहते हैं शाल को हाल कहते हैं शीरा को हीरा कहते हैं हलवा को स का अपभ्रंश होकर के बना और सिंधु नदी के इधर रहने वाले हिंदू कहलाए हिंदू शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख अगर कहीं मिलता है तो वो जैनों के चूर्णी साहित्य में मिलता है और एक बार मुझे लालकृष्ण अडवाणी जी ने समकालीन अर्थ फारसी साहित्य का उन्होंने मुझे बताया था तो वहां पर भी आचार्य कहते अपने शिष्य से एम हिंदू देशम बच्चामो आओ हम हिंदु देश की ओर तो ये हमारी सांस्कृतिक और भागोलिक लेकर के इसलिए मैं फिर से जोर दे के कह रहा हूं कि जापान में रहने वाला जापानी चाइना में रहने वाला चीनी तो भला हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू क्यों नहीं है कोई कठिनाई नहीं बिल्कुल सर आपका बयान हमेशा सुर्खियों में बने रहता है आपका एक आप और बयान है अखंड भारत के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके लिए अखंड भारत की कॉन्सेप्ट क्या है देखिए अखंड भारत क्या हम तो अखंड विश्व की बात करते हैं किसी भी देश के लिए कोई देश बाजार हो सकता है भारत की और संस्कृति के अंदर हमने तो वसुधेव कुटमकम की बात की है आप केवल भारत की बात कर रहे हैं हम तो विश्व को परिवार मानते हैं है ना इसीलिए हमारे यहाँ पर ऋषियों ने कहा है सर्वे भवंतु सुखी ने सर्वे संतु निरामया सबके सुख की कामना सबके कल्याण की कामना है ना वसुदेव कुटंब कम मानव मानव में कैसे ये सारे जो सीमा रेखाएं हैं ये तो काल्पनिक हैं ये क्षेत्रवाद की है जब हृदय की हम बात करते हैं और आत्मा के स्तर की बात करते हैं तो ये सारे भेद खत्म हो जाते हैं और मानव मानव के बीच में इंसान इंसान के बीच में कोई भेद नहीं होता है मेरे गुरु ने तो एक नारा दिया था वो कहा करते थे इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान तो हमें जो इंसानियत का जो धर्म है मानवता का जो धर्म है आदमियत का जो धर्म है उसको लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो केवल अखंड भारत ही नहीं अखंड विश्व जो है हमारा परिवार है जी सर जब आप अखंड भारत के बारे में बात करते हैं क्या आप और कंट्रीज जो पहले शायद इंडिया का भारत का हिस्सा रहा है जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान क्या आप उसको भी शामिल कर अरे थे थे? मैं क्या शामिल करूँ आने वाले समय में वो सब शामिल हो जाएंगे है ना होना ही होगा जी उन्हें उसी में उनका भी हित है वो जैसा वहाँ जीवन जी रहे हैं बेचारे कितनी परेशानियों के साथ हैं हिंदुस्तान जो हैं आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर केवल बहुसंख्यक ही नहीं जितना अल्पसंख्यक यहाँ पर आ, मैं ये कह सकता हूँ कि उसको जितने अधिकार यहाँ पर हैं जितनी सुख सुविधाएँ यहाँ हैं जितना समान व्यवहार यहाँ पर है दुनिया में कहीं नहीं है इसलिए भारत का अल्पसंख्यक सुरक्षित है और जहाँ वो जो दुखी हैं तो जब भी ये समय आएगा तो ये उनके लिए भी प्रसन्नता का विषय होगा जी सर क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ राजनीतिक लोग धर्म और जाति के नाम पर हमारे युवा को कंट्रोल करते हैं और उनको ऐसे कट्टर बनाकर अपने रोते राजनीति का रोती सीखते हैं बिल्कुल ठीक है इसके लिए इस समस्या के समाधान के लिए जड़ में जाने की जरूरत है मूल में जाने की जरूरत है तो जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जितना भी है वो केवल हमारे लेफ्ट हेमस्फियर को जगाने का काम कर रहा है बुद्धि गणित तर्क के लिए किंतु हमारा राइट right हेमस्फियर जो इंट्यूशन पावर के लिए जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिल है वो बिल्कुल सोया पड़ा है तो प्रारंभ से ही एजुकेशन सिस्टम में पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस करना होगा और उससे जो व्यक्तित्व का निर्माण होगा उसको कोई बरगला नहीं सकेगा उसको कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा उसको कोई कट्टरपंथ की और ले जा नहीं सकेगा इसलिए बदलाव केवल उपदेश से नहीं आता है बदलाव प्रयोग से आता है और हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो प्रयोग आधारित थी सत्यम धर्मम चर क्रोधम महाकुरु हमने कथा सुनी है द्रोणाचार्य और युधिष्टर जी की है ना तो उसी तरह से आज एजुकेशन सिस्टम में क्योंकि आज की शिक्षा शारीरिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है बौद्धिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है किंतु उसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट की जो आवश्यकता है आप देखिए अमेरिका जैसे देश के अंदर आज गन वायलेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पिछले वर्षों मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति जय वर्डर से मैंने निवेदन किया कि गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है असली प्रॉब्लम है खोपड़ी की मस्तिष्क की तो मस्तिष्क की प्रशिक्षण की विधा और वो प्राइमरी एजुकेशन से अगर शुरू हो तो ये जितनी समस्याएं आप बता रहे हैं हिंसा जो हमें टुकड़ों टुकड़ों में दिख रही है वर्णवाद कभी 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 उसका रूट कॉज है जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है तब तब वो हिंसा में पार्थिव कृतियों में संलग्न होता है अपेक्षा है हमारे मस्तिष्क में एनिमल ब्रेन भी है तो कॉर्टेक्स परत भी है आज अपेक्षा है एनिमल ब्रेन को तिरोहित किया जाए नियो कॉर्टेक्स परत को जगाया जाए और इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम सरकारों से अपील करना चाहता हूँ कि वो पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को प्राइमरी एजुकेशन से इंट्रोड्यूस करें और हिना जी मैं इस बात को लेकर के यूनाइटेड नेशंस तक मैं गया हूँ और सन 2009 में मैंने उस समय के यू एन के अंडर सेक्रेटरी जनरल लोरेंजो लॉरेंजो फ्रांसिस से भी मैंने संवाद किया और मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ कि जितना जल्दी इस बात को समझ ले और प्राइमरी एजुकेशन से ही वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए तो कट्टरपंथ की हिंसा की आतंकवाद की समस्या का जड़ से समाधान हो है। बिल्कुल सर आपके जैसा कि आप अलग अलग देशों में जाकर सनातन धर्म और भारत की संस्कृति को प्रेजेंट करते हैं आपके और स्वामी विवेकानंद के काम पे मुझे मुझे बहुत सिमिलरिटी नज़र आता है क्या आप स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु या कुछ मेंटर मानते हैं देखिए मैं स्वामी विवेकानंद से अपनी तुलना नहीं कर सकता मैं समझता हूँ ऐसे सारे महापुरुष चाहे वो भगवान महावीर बुद्ध राम कृष्ण नानक विवेकानंद ये सब सूर्य थे लेकिन हाँ मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि आज जब सूर्य उपस्थित नहीं है तो हम जो हैं उनकी अनुपस्थिति में एक दिया बनकर के टिमटिमाते रहें रहे और ये जो आंधी मतलब तूफान की जो लड़ाई है दी और तूफान की संस्कृति और अपसंस्कृति की हमारी संस्कृति सुरक्षित रहे उसके लिए दिया बनकर के टिमटिमाते रहना है कार्य करना है आ, मैं तो स्वयं स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित हूँ वीरचंद राघव जी गांधी से प्रभावित हूँ और आपको हिना जी प्रसंगवश कहना चाहूंगा कि 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में जब धर्म संसद को संबोधित करने गए थे उस समय मेरी जैन धर्म की ओर से भी वी गांधी जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया है वीरचंद राघव जी गांधी भी गए थे और संयोग से इस बार जब पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन शिकागो में थी उसी पार्लियामेंट में मुझे ओपनिंग सेशन का स्पीकर बनाया था पार्लियामेंट ने इवन कि दो में जब साल्ट लेक सिटी में हुई थी तब भी ओपनिंग सेशन में मैंने जैन धर्म का नमस्कार महामंत्र मंगल पाठ और भगवान महावीर का संदेश प्रस्तुत किया था तो मुझे तो ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है और हम सभी ऐसे पुरुषों से प्रेरणा लें जी सर आप जब अलग अलग देशों में जाते हैं और लोग मतलब बाहर के लोग हमारे भारत की संस्कृति के बारे में क्या कहते हैं देखिए मैं 2007 से जब से मैंने वाहन विहार एक्सेप्ट किया उसके बाद से यात्रा कर रहा हूं और अभी हम जब दो में बात कर रहे हैं मैं ये कह सकता हूं कि इन वर्षों में भारत का विदेशों में बहुत सम्मान बढ़ा है और कोविड काल के बाद में हमारी भारतीय जीवन शैली उसके प्रति आकर्षण बढ़ा है वेलनेस एक बड़ा उद्योग बनता जा रहा है मेडिटेशन योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी ऑर्गेनिक जैन लाइफ स्टाइल संयम आधारित लाइफ स्टाइल इनके प्रति आप देखिए ना जी मैं आपको बताऊं हमारी जो रसोई परंपरा है भारत की वो अपने आप में मिनी डिस्पेंसरी है और कोविड काल में प्रशिक्षण दिया जाता कि, कि किस प्रकार के मसालों का प्रयोग करें तो हमारे पूर्वज कितने वैज्ञानिक थे कि उन्होंने सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व वो जानते थे कि आदमी को अगर स्वस्थ रहना है स्वास्थ्य का अर्थ केवल अंग्रेजी के हेल्दी सबसे ही नहीं है संस्कृत साहित्य में कहा है स्वस्मिन त्रिष्ठि इति स्वस्थ है स्वस्थ रहने के लिए भी जो है आत्मस्थ भी होना पड़ता है और ये आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त और कफ अगर ये तीनों अतिरिक्त हैं तब भी व्यक्ति अस्वस्थ बनता है और तीनों कम है तब भी अस्वस्थ बनता है संतुलन मलक्रिया। वो सम होना जरूरी है और उसकी सम बनाने के लिए भोजन के साथ भारतीय रसोई परंपरा में ऐसी अनेक चीजों का विधाओं का प्रयोग हुआ है और कोविड काल में पूरी दुनिया ने उसका लाभ उठाया बेशक बेशक की हमारी भारत की संस्कृति की कोई मिसाल नहीं है सर आखिर में आप हमारे देश के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए जी युवाओं का देश में वही स्थान है जो हमारे शरीर में स्पाइनल कोड का है मेरुदंड का है रीढ़ की हड्डी का है अगर शरीर का मेरुदंड अस्वस्थ होता है तो पूरा शरीर लड़खड़ा जाता है ठूक उसी तरह युवाओं का स्थान समाज में वही है जो मेरुदंड का है स्पाइनल कोर्ड का इसलिए मैं युवाओं को बहुत महत्व तो देता हूं और युवाओं के कारण ही हमारा देश आर्थिक दृष्टि से जो प्रगति कर रहा है उसका एक बड़ा श्रेय युवाओं को जाता है और इन युवाओं की बदौलत 2030 तक भारत आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है मैं उन युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि ये सांस्कृतिक प्रदूषण के इस दौर के अंदर वो बहे नहीं और हमारी भारत की अनेकता में एकता की जो संस्कृति है जो मौलिक विशेषता है हमारी बहुलतावादी संस्कृति उसके संरक्षण के लिए उसके संवर्धन के लिए क्योंकि अनेकता में एकता हमारी देश की संस्कृति है और सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है उसको साथ लेकर के चले और हम अपनी सभ्यता पर गर्व भी करें और अपने जीवन पर भी उन मूल्यों का स्थान दें क्योंकि हिना जी मेरा यह मानना है कि देश की सुरक्षा केवल नदियों पहाड़ों या सीमा रेखाओं से नहीं देशवासियों के चरित्र बल पर निर्भर करती है और जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था हमारे चरित्र संपन्न युवक जो हैं पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकेंगे इसलिए मैं युवाओं से अपील करता हूं और मेरे लिए वो आशा की किरण है बिल्कुल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए लिए ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से आपके कोई बात ही नहीं है मैं हमारी सतपला को पूरा आशीर्वाद शुभकामनाएं है और हम इन सब से परे हैं संतों के लिए सम्मान और तिरस्कार नहीं हम तो सभी आत्मस्थ रहें मस्त रहें स्वस्थ रहें थैंक यू धन्यवाद

स्वीट्स एंड नमकीन इससे बेटर है नथिंग हाँ सटमोला नमकीन